जी वैसे भी आपने पब्लिक व्यूज देखे और मेनली जो हमें आंसर आया वो माँ के पास। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। बच्चों का एक स्पिरिचुअल जो ब्रॉटअप होता है, बच्चों का जो मॉरल ब्रॉटअप होता है, बच्चे को जो नर्चरिंग चाहिए होती है, जो केयर चाहिए होती है, वो डेफिनेटली माँ की तरफ से आती है। बट इसमें फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट भी शामिल है। फाइनेंशियली क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो हमारे यहाँ माएँ जो होती हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, और अगर वो फाइनेंसिस के लिए घर से बाहर निकल जाएं तो फिर अगेन उनमें और फादर में क्या डिफरेंस रह जाएगा कि दोनों ही काम करने बाहर जा रहे हैं, तो बच्चों की केयर अगेन वहीं पे उसी पॉइंट पे बात आ जाती है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। फॉरगेट अबाउट व्हाट लॉ सेज, लॉ तो कुछ भी कहता है, बट आप लोग खुद क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ये मालूम करना है, जो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे भी बता सकते हैं www.facebook.com/healthytv.tv। और अभी आप हमें कॉल करके भी बताएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का टाइम हो चुका है। तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी वैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, और आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में ट्यूसडे के दिन हमारे साथ लियाकत सत्यन साहब मौजूद होते हैं। तो वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम कैसे हैं जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आज? सर आपकी बड़ी नींद में लग रहे हैं सर, क्या हो गया? अच्छा सब जरूर ठीक सर है आज? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे व्यूज बड़ी अच्छी बात है। सर भी मुझे बता रहे थे ब्रेक में कि ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, जो कि बड़ा अच्छा इफेक्ट है, और मैं सोची कि शायद थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें हेल्थ टीवी का भी होगा, बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल अच्छा सर, ये जो हमारा पोल का सवाल है, नहीं आप भूल जाएं लॉ क्या कहता है, ये क्या कहता है वो, आपको खुद क्या लगता है कि बच्चे किसके पास होने चाहिए? नहीं, देखिए, माँ से बेहतर कोई बच्चे को देख नहीं सकती, एक इंसानी फितरत भी है। और बाप तो बिल्कुल, वो मतलब जो माँ देख सकती है वो बाप नहीं देख सकता। ये तो है, हाँ बिल्कुल, माँ ही है, मैं लेकिन तो सर कहूँगा जब 100%। फाइनेंशियल बात आ जाती है तो फिर उसका क्या उसमें करें? ये है कि उसके जो उसका वालिद है उसको उसकी मदद करनी वो चाहिए कहेगा कि ना किसी। बच्चे मेरे ना दो, वो मेरे पास तो मैं क्यों उनकी मदद करूं, तुम रखो अपने बच्चे फिर अपने पास। नहीं तो फिर वो देखें, अगर बाप के पास जाएगा बच्चा तो उसको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बनिस्बतन माँ के पास जब वो रहता है तो थोड़ा फनासी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर बाप के पास रहेगा तो और बहुत सारी मसाइल से वो अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाएगा, और वो जो एक माँ की एक मोहब्बत होती है, एक तवज्जो होती है, वो हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंसान में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो उसको उसकी सही तरबियत से, वो कहते हैं ना बच्चे की जो सही तरबियत है वो माँ की गोद है, तो बाप का तो वो मिसाल नहीं दी गई, तो माँ ही जो है वो एक बेहतर वो है बाप की। सही, बच्चे की तरबियत के लिए माँ ज़्यादा बेटर है, और अगर माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो नथिंग लाइक दैट। जी हाँ बिल्कुल, वैसे फाइनेंशियल जो वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एनी वे फादर की ही आती है, जी बिल्कुल बट बिल्कुल अगेन अगर हम बाप के पास भेजेंगे नहीं, अच्छा बाप को कम्प्लीटली मना तो नहीं कर सकते कि आप बाकी अपने बच्चों को ना मिले ना देखें, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो आप अपने जो फादर है उनको ऐसा मना नहीं करें कि बच्चों से बिल्कुल दूर रहो, वो मेरे बच्चे हैं, तो फिर वो फाइनेंशियली भी क्यों सपोर्ट करेगा? वो कहेगा सही इतने बात, तुम्हारे बच्चे तो करो, अपने बच्चों को सही सपोर्ट, बात। है ना? असल चीज़ तो माँ ही है ना जो बाप के दिल में बच्चे की मोहब्बत डालती, ऐसा ऐसा कह के देखें इसकी शक्ल तुमसे मिल रही है, तुम्हारे अब्बा से मिल रही है, फला ये तो ये चीज़ें कह के माँ फिर बच्चे की एक जो मोहब्बत होती है वो बाप के दिल में डाल देती है। वरना ऐसे जैसे जो माँ को मोहब्बत है बाप के शायद दिल में उसकी जो हकीकत में तो 10% भी नहीं है, लेकिन माँ वो प्यार जो है ना बच्चे का जो है वो उसके बाप के दिल में डालती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे से अटैच हो जाता है, फिर मोहब्बत करने लगता सही। अच्छा सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, है। अटेंड जी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज अजहर इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेज अजहर, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा मिसेज अजहर, हमारे पोल का जवाब दें। माँ बाप दोनों की सपोर्ट ज़रूरी होती है, तो दोनों के पास जाना चाहिए। कैसे, मतलब वीकेंड पे उनके पास और एक वीकेंड पे जी जी उनके बिल्कुल, पास, इस ऐसे तरीके से। जी बच्चे जी आपको नहीं लगता बड़े परेशान हो जाते हैं इसके बीच में, मैं हम क्या करें, ये को हमारा एक घर ही नहीं है? नहीं, वो तो जुल्म है बच्चों के साथ, जाहिर बात है, लेकिन फिर भी दोनों की सपोर्ट तो चाहिए, तरबियत तो दोनों से ही हासिल की जाती है ना। बेसिकली माँ से होती है, बाप से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती बिल्कुल, है दोनों ना? चाहिए होती है, अगर बाप के पास नहीं भेजे तो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे सही आएगी, बात है है। ना? चलिए जी, क्या पूछना चाह रही हूँ मैं जी सर? मुझे हस्बैंड के बारे में मालूम करना है। ठीक है, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनके 12 मार्च, 12 मार्च 12 मार्च 1972, 1972 1972 कहाँ पैदा हुए? इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में। टाइम क्या था? दोपहर के 12:20। दोपहर के 12:20। ठीक तो है आप जी, पहले भी पूछ चुके हैं इनका।
पहले ही पूछा था मैंने इनका ना, ये पूछना था, वो सवाल रह गया था, बच्चे कितने होंगे? अच्छा अच्छा इनके बच्चे कितने होंगे बता दें, उनकी जिंदगी कैसी? अपनी पूछ लेती, एक ही बात हो जाती ना। उनके साइड से पूछना चाह रही है, तो बच्चे कितने होंगे, बेटे कितने, बेटी कितनी, उनका फ्यूचर अगर पता चल सकता है तो बता दीजिए। ठीक है जी, चल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर अपना ही पूछ लेती, बच्चे पूछने वही कह रहा हूँ, उनके बच्चों में कोई शक है आपको? चलिए जी, इनका बता ही दिया आज। जी जी बीबी, जायचे के मुताबिक इनका एसेंडेंट जो है वो जौजा है, जेमिनाई है। का प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। इसका सितारा जो है वो अतारद है और मून साइन इनका जद्दी है कैप्रिकॉन, इसका सितारा जोहल है। बात यह है कि औलाद के हवाले से जो इनकी पोजिशन बन रही है वो 3 से 5 बच्चों की इनके जायचे में निशानदेही होती है। और जो औलाद का लॉर्ड लॉर्ड है वो 11वें घर में है, तब जब 11वें घर में होता है इसका मतलब है ऐसे लोग अपने बच्चों की खुशियां भी देखते हैं और बच्चों से इनको फ़ायदे भी हासिल होते हैं, यानी खिदमत गुजार औलाद होती है ऐसे लोगों के। मुस्तकबिल के हवाले से इस वक्त भी इनको जुपिटर का दौर है जो कि जायचे में का, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क से बाहर जाएंगे और किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर लेंगे, क्योंकि आगे जो पीरियड इनको लग रहा है वो इसी किस्म का लग रहा है जो बैरून मुल्क की तरफ इनके जाने की निशानदेही कर रहा है, तो अच्छा मुस्तकबिल है। ओके चले, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, मुझे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो जिसकी भी कॉल थी आई थिंक वो या तो ड्रॉप हो गई या बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तो यू कॉल बैक अगैन। ठीक है जी। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा आज हम लोग बात कर ही लेते हैं, आजकल क्या सितारों की पोजीशन है? जी आजकल जो है वो आज जो है कमर बुर्ज सरतान में है, कैंसर। अच्छा, में कैंसर तो में जो कैंसर वाले लोग हैं, मून साइन जिनका कैंसर है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मतलब 2.5 डेज जो है? जी बिल्कुल, आज ही आया है कैंसर में? अभी 12-13 डिग्री पे है, तो अभी 2 दिन रहेगा, आज भी रहेगा और कल के दिन भी रहेगा, फिर इसके बाद वो लियो में चला जाएगा। लियो में चला जाएगा, फिर वो लियो वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, हमारे पास जी एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हो लो, आज क्या हो गया शबनम? अच्छा हमारे पास दूसरी कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैंने असल में ये आपसे कहना है कि सुबह जो कुरान पाक का तलावत आती है वो ठीक नहीं आ रही है, बड़ी डिस्टॉर्टेड सी आती है, और वो 4-5 दिन से बल्कि हफ्ता एक हो गया उससे आ रही है, तो मैं क्योंकि सुबह सुनती हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। नहीं नहीं, आप क्या प्रॉब्लम क्या बता रही है? कि जो कुरान पाक है ना वो ठीक से आ नहीं रहा है, मतलब पूरा टाइम तो आता है मगर ये है कि उसमें डिस्टरबेंस बड़ी होती है, मतलब ट्रांसमिशन में डिस्टरबेंस है जी बहुत ज्यादा। ओह, तो वो मैं चाह रही हूँ, ये तो आप अपने केबल ऑपरेटर को बोले ना कि वो ट्रांसमिशन ठीक करे इस चैनल की। नहीं, बाकी सारा प्रोग्राम ठीक आ रहा होता है, सिर्फ वो गड़बड़ है। अच्छा, वो गड़बड़ है। हाँ जी, बाकी अब मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, ठीक है। इससे पहले वो क्लिनिक ऑनलाइन था वो भी ठीक था। अच्छा, तो वो बस वो तलावत का खराब होता है, उसके बाद जो दुआ होती है वो भी ठीक होती है। ओए होए, अच्छा तो, चले इसको हम देखते हैं, कुछ सिग्नल्स का इश्यू हो रहा है यहाँ से, देख लेते हैं। ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल जी, अभी आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना नहीं है आपने? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, दैट वाज क्यूट। मैं अच्छी बात है कि लोग इस तरह सुबह सुनते हैं, वैसे तो एक वक्त में होता था कि लोग सुबह खुद ही पढ़ते थे, पर अब इतनी आसानी हो गई कि आपने उसको लगा लिया और अब मैं काम भी कर रहा हूँ और आपके कान जो है वो तलावत पे लगे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा ही है तो माशाल्लाह से, और बहुत सारे चैनल भी दे रहे होते हैं ये, तो सब तकरीबन मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के जिंदगी तो बहुत जरूरी है, अब सबसे पहले आपके कान में ये। लेकिन सर मुझे जो एक चीज इसमें थोड़ा सा इशू लगती है ना, देखिए टीवी लगा हुआ है फुल वॉल्यूम में तलावत चल रही है, वेरी नाइस, बट उसके बीच में आप अपनी बात कर रहे हैं, उसके बीच में आपके घर में मेड आई हुई है आप उसको भी बता रहे हैं और दुनिया जहान के काम कर रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर, ये बेइज्जती होती है। बिल्कुल ये गलत, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तलावत चल रही है विच इज वेरी नाइस, सुने सुबह, तो फिर आप उसको उतनी ही इज्जत के साथ सुने जितनी इज्जत से उसको सुनना चाहिए, या अगर आप पढ़ रहे हो। लोग ये समझ रहे होते हैं कि इसके तलावत की जो आवाज आ रही है इसी की बरकत से सब कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, आपको सुनना होता है, उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसका मतलब समझना होता है। एग्जैक्टली, सिर्फ सुनना नहीं होता बल्कि उसका मतलब समझना इज द मेन एसेंस राइट नाउ। अच्छा सर हमारे पास एक और कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं
मैं रिजवाना शाहिद बात कर अल्लाह पता नहीं आपकी आवाज चेंज है, गला खराब है क्या आपका? मौसम तो पता है, मौसम का सर बढ़ रहा है ना, तभी तो मैंने नहीं पहचाना। नहीं तो मैं, कोई बात नहीं। अच्छा प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं बताऊं तुमको कि जो तुमने सिप्टेंस, आपको ये हेल्थ चैनल का कहूंगी बहुत थैंक यू बहुत बहुत, इसलिए कि इनको पकड़ने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई है, यकीन करो मैं तुम्हें बता नहीं सकती ना, इसलिए कि ये जो किसी एक चैनल पे इनको बताओगे, जिस चैनल पे जाते हैं यकीन करो उनको इनके से पूछने के लिए एक मिनट के बताएं 14 रुपए सेकंड को, सेकंड में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इतने सारे पैसे उनको करने पड़ते हैं, मैंने किया यकीन करो मुझे बिल आ गया, लेकिन मेरी इनसे बात ना हो। लेकिन इसमें मैं कहूँगी हेल्थ चैनल और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे लोग तुमने हमें दिखाए। बस देखिए और इतने फीजिबल रेट पे भी ले आया मैंने। हाँ नहीं मतलब एक कॉल करो और माशाल्लाह से बात हो जाती है, और बात में भी यकीन करो तुम्हारे में इतनी अच्छी बात है कि तुम जब तक ये बात कंप्लीट ना हो जाए उस बात उसको कॉल को खत्म नहीं करती हो, ये बहुत खूबी है इस प्रोग्राम की ना। थैंक यू सो मच। ऐसा होता है कि आधी बात हो रही होती है, तुम देखो बात पूरी हो नहीं पाती है और कॉल ड्रॉप हो जाती है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है जब टाइम की शॉर्टेज होती है। माशाल्लाह मेरे साथ मैं जो देखती हूँ ये बहुत रिस्पेक्ट है कॉलर की ना। थैंक यू सो मच। पहले पोल का जवाब देंगे। पोल का सवाल मैंने सही से सुन लिया। हमारे पोल का सवाल है कि गॉड फॉरबिड अगर तलाक हो जाए तो बच्चे माँ के पास जाने चाहिए या बाप के पास? पहले तो देखो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसे स्टेप हो ही ना। हाँ। जब बच्चे हो ना तो मैं कहती हूँ माँ और बाप को जहर पी लेना चाहिए अपनी बुराइयों का, इसलिए कि जब बच्चे हो जाए तो ये बच्चों से पहले सब चीजें अपने लड़ भिड़ लें, जब बच्चे हो जाएं तो इस सब चीज को खत्म करते सिर्फ बच्चों की मोहब्बत को लेके आगे बढ़े। वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बहुत अच्छा आंसर। लेकिन अगर हो गया तो? अगर हो जाए अल्लाह ना करे, क्योंकि अल्लाह तो इस बात को बहुत बुरा समझता है। अगर हो जाए पसंदीदा अमल है बिल्कुल, अगर ऐसा इन केस फिर भी ना कोई रास्ता बनता हो जाए तो फिर माँ के पास ही रहना चाहिए बच्चे के पास ही। इसलिए अगर फाइनेंशियल माँ को अगर कमी भी है तो अपनी अपनी मेहनत से अपनी एफिशिएंसी से करे, और दूसरे अगर फिर भी ना कर सके तो कोर्ट से जरूर तलब करे अपना जो बच्चे का हक होता है उसको, राइट को, उसको लेके वो आगे चल सकती है। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ मैं पूछ, जब भी तो मैंने फोन किया था चैनल आपको लिंक कितने दिनों से मैं भी देख रही हूं। हां जी, आप पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। अच्छा मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हां उसकी है 98। पूरी बताइए। 1998। हाँ तो कौन सा महीना? 17 जुलाई। 17 जुलाई 1998। टाइम क्या था? टाइम है 9 बजे सुबह। सुबह 9 बजे कहाँ? कराची में। कराची में, ठीक है। अच्छा इसके बारे में मुझे पूछना है कि मतलब ये बहुत शरारती और कोई काम करने में मतलब पूछता नहीं है, बस निडर नहीं होते जैसे बच्चे, बस वो कर ले रहे हैं बस ना, तो इसके बारे में बताएं ये पढ़ाई में और आगे मुस्तकबिल इसका कैसा रहेगा? पर ये तो अच्छी बात है कि वो निडर है। नहीं तो कहना पूछे तो माँ बाप से तो पूछे कि मम्मा ये मैं काम कर लूँ या नहीं कर लूँ, मतलब अपने अपनी मर्जी। अच्छा, मतलब मलंग है अपनी मर्जी का मालिक। हाँ, हाँ। तो ये चीज सही नहीं है ना आगे, मतलब हाँ, आगे तो आगे काफी चीजें पढ़ाई में कैसे रहेंगे। और सत्यान से आपको बहुत सारी दुआएं, इसलिए अल्लाह में इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ऐसी हमें हम इनको देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। अच्छा इनका आंसर जो हमें ब्रेक की बात करें, ब्रेक का वक्त हो गया व्यूअर्स, कहीं मैं जाएगा, विल बी राइट बैक।